Hey there guys, welcome back to the new video. तुम सबको पता है कि कांटो रीजन में हम लोग को तीन चैंपियंस दिखाए गए थे, यानी कि सिर्फ उनका काला सा चेहरा दिखाया गया था और बिल्कुल भी नहीं बताया गया था कि आखिरकार वो ट्रेनर्स कौन थे। बस हम लोग को ऐसी फॉर्मेलिटी पूरा कर दिया गया कि हाँ भाई, ऐश कैचम हार चुका है और किसी को ट्रॉफी मिल चुकी है। बट आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आखिरकार वो तीन ट्रेनर कौन थे। तो ये पूरी वीडियो मेरी थ्योरी पे है, सो या जो मैंने ढूंढा उसी के अकॉर्डिंग है, तो कुछ भी एकदम कम्प्लीटली सच मत मान लेना। बट या जो मैं बताऊंगा वो 80% तो सही होगा। सो या अगर वीडियो को लाइक करना अगर तुम्हें पसंद आए तो, और ऐसे इंटरेस्टिंग पोकेमॉन से जुड़े वीडियोस के लिए तुम लोग को बहुत सिंपल सा काम करना है, वो है बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ वाले बेल आइकन को ऑल पे कर देना है ताकि तुम्हें ऐसी वीडियोस मिलते रहे। सो विदाउट बीइंग फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कांटो रीजन की चैंपियनशिप के बारे में, जो कि थोड़ा अलग होता है। और जैसे तुम सोचते हो पोकेमॉन चैंपियनशिप वैसे नहीं होती, तुम लोग को पहले कुछ ट्रेनर्स को हराना पड़ता है तब उस चैंपियंस बनते हो तुम उस रीजन के, और उसके बाद तुम्हें मौका मिलता है तुम एलीट फोर हरा सकते हो उस पर्टिकुलर रीजन के, तब जाके तुम्हें उस पर्टिकुलर जगह का एक परफेक्ट चैंपियन टाइटल मिलेगा। वरना बाकी के ट्रेनर्स हरा लोगे तो बस तुम्हें एज अ टॉप ट्रेनर माना जाएगा और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। अगर तुम्हें किस रीजन का चैंपियन कहलाना है तो पहले तुमको एलीट फोर भी हराना पड़ेगा उस रीजन का, तो ये भी जान लो। और अलोला रीजन में ऐसा नहीं हुआ था क्योंकि अलोला रीजन में एज से पहले कोई भी चैंपियन नहीं था। अलोला रीजन में चैंपियनशिप पहली बार हुई थी, इसलिए वो कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक है, तो प्लीज़ उसको इस जगह पे मत लाना। तो वैसे ही कुछ आज की इस वीडियो में होने वाला है, तभी मैं तुम लोग को इस एक्सप्लेन किया हूँ जो कि तुम्हें वीडियो के बाद में जाके अच्छे से समझ आ जाएगा। सो या इस चैंपियनशिप का पूरा कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम लोग को वो बैटल से देखना पड़ेगा जहाँ पे ऐश और रिची के बीच में बैटल हुआ था। शायद से तुम लोग को काफ़ी कम लोग को ही पता होगा कि रिची ने गैरी ओक को हराया था। तो या तुम लोगों ने सही सुना, इंडिगो लीग में जिस ट्रेनर से गैरी ओक हारा था वो रिची था, जो कि बाद में जाके ऐश कैचम से बैटल किया था। एंड एक बात बताऊँ, इस वक्त तक चार्लिसार्ड काफ़ी ज़्यादा पसंद था, बट इस पर्टिकुलर मूवमेंट के बाद मैं चार्लिसार्ड से काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गया था, क्योंकि आखिरकार उसने ऐश को गंदा वाला बीट्रे किया था। तुम लोग समझ गए होंगे और बिल्कुल ऑफेंड नहीं होंगे, समझदार की तरह समझो यार। और बात रही रिची की, तो मुझे लगता है रिची जो है वो टॉप 16 में अगर ऐश कैचम आउट हुआ था तो रिची गया होगा टॉप 8 पे। तो मतलब रिची से जितना बैटल की होगी वो गया होगा टॉप 4 में। तो तुम लोग समझ रहे हो ना मैं आखिरकार कहना क्या चाह रहा हूँ। अगर तुम नहीं समझ रहे तो मैं एक बार फिर से तुम्हें समझा लेता हूँ। ऐश कैचम जो है वो टॉप 16 तक गया था, तुम लोग को ही समझ आया। उसके बाद रिची ने बैटल की उससे, जिसमें ऐश कैचम रिची से हार गया, तो रिची गया टॉप 8 में। और रिची से जिसने बैटल की थी वो थी असुंथा, शायद से उसका नाम मुझे क्लियरली याद नहीं, काफ़ी पहले मैंने पोकेमॉन देखा था। और उसके बाद से इस लड़की के बारे में कोई भी मेंशन नहीं। ये लड़की ने रिची को हरा दिया था और उसके बाद वो गई थी टॉप 4 स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर ऑफ कांटो रीजन में। अब तुम लोग को कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे समझ आ रहा है ना? बिल्कुल सही। अब चलो इसके बारे में और डीप में बात करते हैं ताकि तुम्हें और अच्छे समझ आए। इंडिगो लीग के लास्ट में जहाँ पे बस ऐश कैचम को निकलवा दिया था और रिची को, उसके बाद हम लोगों ने वहाँ के चैंपियन और उसके साथ दो रनर अप को देखा था, जहाँ पे एक लड़की भी थी। वो लड़की काफ़ी ज़्यादा उस लड़की से मैच कर रही थी जिसने रिची को हराया था। एंड मेरा ऐसा मानना है कि वो रिची को जब वो हराई थी तब वो टॉप 4 स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर में चली गई थी, राइट? और ऐसा हो सकता है कि उसने आगे के मैचेस में जो फ्यूचर के अपोनेंट्स होंगे उसको भी हरा दिया हो और वो चली गई हो टॉप 3 और टॉप 2 में। ऐसी कर करके वो रनर बन गई हो इंडिगो लीग की। सो पॉसिबिलिटी है कि लाइक ऐसा हो सकता है। तुम लोग को क्या लगता है तुम मुझे बताओ यार कमेंट सेक्शन में। आखिरकार हमने उस इतना तो जाना कि आखिरकार वो लड़की कौन थी। अगर तुम्हें तब भी यकीन नहीं हो रहा तो तुम दो पिक्चर को काफ़ी क्लियरली देख सकते हो, जहाँ पे तुम्हें भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी देखने मिलेगी दो लड़की के बीच में। तो मुझे लगता है अब तुम्हें समझ आ गया ना वो लड़की कौन थी। तो चलो अब बात करते हैं वो थर्ड रैंक पर जो लड़का आया था और चैंपियंस के बारे में कि आखिरकार वो कौन था। जो थर्ड रैंक पे लड़का आया था, अकॉर्डिंग टू माई गैस वो ऐश कैचम का राइवल था। अगर तुम लोग गैस कर सकते हो तुम गैस करो, अगर तुमने गैस कर लिया ना तो या तुम सच्चे पोकेमॉन फैन हो। मैं गैरी की बात नहीं कर रहा, जल्दी जल्दी गैस कर लो कौन हो सकता है वो। आई होप सो तुमने गैस कर लिया होगा, वो एजे था। अगर तुम लोग हेयर स्टाइल मैच करवाओगे तो वो भी हेयर स्टाइल तक मैच करता है
इवन तुमने एक चीज गौर की होगी, लाइक एजे जब एडवेंचर से निकला था, एक मिनट समझा देता हूँ मैं एजे कौन था अगर तुम भूल चुके हो। तुम याद होगा जब वो सरुलियन सिटी से बैज लेके निकला था एश केचम, तब वो एक ट्रेनर से मिला था जो कि सैंडशू पालता था। अब तुम लोग को अच्छे से याद आ गया होगा। उसके बाद से हम लोग को एजे का कहीं भी जिक्र देखने नहीं मिला था। तुम सबको पता है कि एजे कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर था, लाइक उसने 100 विन लिए थे बिना एक हार के। तुम लोग सोच सकते हो ना कितनी बड़ी बात है, और इसमें कोई दो राय नहीं। अगर वो बन भी गया हो स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर में, अगर तुम हेयर स्टाइल मैच करो तो देखो वो भी थोड़ा बहुत सिमिलर लगता है, और फेस कट भी। तो यह ऐसा पॉसिबिलिटी है कि लाइक एजे गया हो टॉप 3rd में स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर में, ऐसा मेरा मानना है। और जैसे मैंने कुछ प्रूफ्स दिखाए उसके अकॉर्डिंग तुम्हें भी अब लगना शुरू हो गया हो। वैसे भी कोई दो राय नहीं है, लाइक एजे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, तुम सबको पता है। बंदर शैंडशू जो कि वाटर टाइप स्ट्रॉन्गेस्ट था उस पर शैंडशू को नहलाता था। समझ जाओ भाई बंदे का स्वैग किस लेवल तक का है। तो चलो अब बात करते हैं आखिरकार वो चैंपियन कौन था। ये 2012 या 14 की बात है जब कांटो रीजन आता था, और तब मैंने इस चैंपियन को देखा था और तब से मेरे मन में डाउट था। बट यह मुझे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी अभी कि मैं इसको एक्सप्लेन करूं कि आखिरकार वो बंदा कौन था। इसके कारण मेरे को भी समझ आया। मैं जानता हूँ काफ़ी लोगों को लगा होगा ये ब्रॉक है, बट डेफिनेटली ये ब्रॉक नहीं हो सकता, लाइक नहीं हो सकता, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इवन पोकेमॉन एनिमे काफ़ी बार ऐसे हरकतें करता है जो कि अनबिलीवेबल होता है। शायद से उन्होंने सोचा होगा कि इस ट्रेनर को बाद में फ्यूचर में कभी लाएंगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो लैंस होगा। हेयर स्टाइल भी मैच करती है, इवन लैंस भी चैंपियन है, सो ऐसी पॉसिबिलिटी है लाइक लैंस भी हो सकता है। बट मैं तब भी थोड़ा सा तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ ताकि तुम्हारे मन के थोड़े जो शंकाएँ हैं इसके प्रति वो मिट जाएँ। देखो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मैं मानता हूँ कि लैंस ही वो चैंपियन है, लाइक लैंस भी एक चैंपियन है। अगर तुम उसके बायोडाटा में सर्च करो तो वो जोटो के साथ साथ कांटो रीजन का चैंपियन है। इफ़ यू डोंट बिलीव मी तुम सर्च कर सकते हो क्रोम पे कि हु इज़ द पोकेमॉन चैंपियन ऑफ कांटो रीजन, और उसके आगे एनिमे जरूर लिखना, तब तुम्हें लैंस ही देखने मिलेगा, ठीक है। और अगर तुम ऐसा नहीं मानते तो लेट मी टेल यू, लाइक अभी जो रिसेंटली गला रीजन था उसमें लैंस जो था वो कांटो रीजन का रिप्रेजेंटेटिव बन के आया था एज अ पोकेमॉन चैंपियन। सो ये काफ़ी ज़्यादा लाइक हिंट देता है कि हाँ ये लैंस ही होगा जिसको शायद से वो लोग ने जिताया होगा ट्रॉफी देकर। तो तुम लोगों को क्या लगता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अभी थोड़ा सा तुमको कन्फ्यूजन होगा राइट, तो चलो यार तुम्हारे उस डाउट को भी क्लियर कर देते हैं। लेट मी एक्सप्लेन यू, पोकेमॉन कंपनी ऐसे काफ़ी सारे एरर्स किया है, लाइक उसने लिटरली एक बार आर्कनाइन को लेजेंडरी पोकेमॉन बताया है, जो कि शायद से पोकेमॉन कंपनी ने बाद में डिसीजन अपना चेंज कर दिया हो। ये पर्सनली मेरे साथ भी होता है जब मैं सोचता हूँ कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा, बट किसी रीजंस के कारण मैं उस टॉपिक को ड्रॉप आउट कर देता हूँ। इन सेम मैनर शायद से पोकेमॉन कंपनी भी ऐसा काफ़ी बार की है, जहाँ पे उन्होंने सोचा था वो आर्कनाइन को लेजेंडरी बनाएंगे बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। इन सेम मैनर शायद से उन्होंने लैंस के बारे में भी ऐसा कुछ सोचा होगा। सो इफ यू केम इन टू कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो, सो बेसिकली जो पहली वो लड़की थी वो बेसिकली असुंधा थी, जो कि कांटो रीजन की रनर अप रही। अगर हम लोग सेकेंड की बात करें तो वो एजे की पॉसिबिलिटी हो सकती है, लाइक जो असुंधा थी वो तो कन्फर्म है, बट एजे के चांसेस हैं कि वो सेकेंड हो सकती है। सेकेंड हो सकता है यार, मैं जेंडर क्यों चेंज कर रहा हूँ। सो या एजे कुड बी द सेकेंड वन, एंड इफ़ यू टॉक अबाउट चैंपियन देन इट्स ऑलमोस्ट 90% कन्फर्म कि वो लैंस ही होगा। लाइक मैंने तुमको काफ़ी सारी प्रूफ दे दिए यार, जिनको मानना था वो उतने में भी मान पाएंगे, और जिनको नहीं मानना मैं समझाते रह जाऊँगा लेकिन नहीं मानेंगे, और अच्छी बात है यार, मानना भी नहीं चाहिए, सबके अपने ओपिनियंस होते हैं। सो यार बताओ यार तुम्हारे क्या ओपिनियंस है इस वीडियो के रिगार्डिंग कमेंट सेक्शन में। यार कमेंट सेक्शन इसी पर्सपेक्टिव के लिए है, अगर तुम अपने विचार नहीं बता सकते कमेंट सेक्शन में फिर क्या ही फ़ायदा। सो बताओ यार तुम्हें आज की वीडियो कैसी लगी, और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन को जरूर दबा देना, क्योंकि उसके बिना तुम्हारे पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचती वीडियो की, मुझे पता है, तो उसको दबा देना। एंड अगर तुम्हारे पे और कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं जिस पे तुम चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं, तो तुम मुझे ईमेल पे बता सकते हो या फिर तुम मुझे इंस्टाग्राम पे भी बता सकते हो, तो उन दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो जैसे तुम्हें आराम पड़े तुम वैसे कर सकते हो। एंड आज का पोके कुछ ये है, तो बता दो जो 10 लोग सबसे पहले आंसर देंगे उनको मैं नेक्स्ट वीडियो फीचर करूंगा। सो मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।